हेलो गाइस। तो गाइस यार, आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक सोल्डरिंग आयरन, वो भी 2-3 रुपए की कॉस्ट से। तो आप भी इस वीडियो से देख के एक सोल्डरिंग आयरन 2-3 रुपए की कॉस्ट में बना सकते हैं। तो गाइस यार, वीडियो को पूरा वॉच करना। तो गाइस, सोल्डरिंग आयरन बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक पेंसिल। तो हमने एक पेंसिल ले लिए और आगे से इसको कट करके आपको इतना लंबा इसको छील लेना है, जो इसका बीच वाला हिस्सा है उसको निकाल लेना है, जो कार्बन होता है वो बाहर आ जाता है। फिर हमें चाहिए एक यूएसबी डाटा केबल। तो देखिए, यहाँ पे हमने एक यूएसबी डाटा केबल ले लिए। तो अब हम करेंगे इसका कनेक्शन। तो कनेक्शन करने के लिए हम इस वायर को यहाँ पे लगा देते हैं। तो एक वायर हमारी यहाँ पर लग गई है, तो अब हमें दूसरी वायर लगानी है। तो देखिए, हमें यहाँ पर जो दूसरी वायर है वो भी यहाँ पे कनेक्ट कर देनी है। तो यहाँ पे मैं कनेक्ट करके आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ कि कैसे आपको कनेक्ट करनी है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे हमारी जो दोनों वायर है वो यहाँ पे अटैच हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों वायर इसके साथ अटैच हो गई है। तो अब हम यहाँ पे उसको थोड़ा सेट कर देते हैं टेप लगा के। तो यहाँ पे मैं टेप लगा देता हूँ थोड़ी सी, ताँ जो ये सही से यहाँ पे रहे और हिल ना पाए। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे ब्लैक टेप यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक टेप है वो लगा दी है, देखिए। और यहाँ पे भी हम आगे भी टेप थोड़ा और लगा देते हैं, ताँ जो हमारा जो सोल्डरिंग आयरन है वो सही से रहे और सही से काम करे। तो यहाँ पे हम एक और टेप लगा देते हैं। तो देखिए, पूरा वीडियो को देखना, तभी आप ये जो सोल्डरिंग आयरन है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आधा काम हमारा हो गया है। तो अब हमें बनानी है इसकी टिप आगे की। तो यहाँ पे टिप बनाने के लिए आपको चाहिए यहाँ पे कॉपर की जो टिप हम बनाएंगे यहाँ पे। तो ये हमने बनाई थी एक टिप, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए कॉपर की है। तो अब हम इस टिप को इसके आगे लगाएंगे। तो आगे यहाँ पे हमने ऐसे इसको लगानी है। तो यहाँ पे हमें इसको दबाना होगा थोड़ा सा, इसको टाइट करना होगा। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा टाइट कर देता हूँ। तो गाइज, यहाँ पे हमारा जो टिप है वो नहीं लग पाई, क्योंकि ये जो कार्बन है वो आगे से टूट गया। तो अब हम इसको फिर से लगाते हैं। तो गाइज देखिए, यहाँ पे हमने जो टिप है उसको फिर से तैयार किया है हमने। तो अब हम ये जो टिप है इसकी इसके अंदर लगा देते हैं, जो इसका होल्डर रहेगा। तो ये हमने यहाँ पे इसके ऊपर लगा दिया है। तो देखिए, यहाँ पे ये हमारा इसके ऊपर लग गया है और बन के। अगर आपके पास सही पत्ती होती है तो आप इसको सही तरीके से बना सकते हैं। तो मेरे पास यही थी, तो मैंने ये लगा दिया है। तो यहाँ पे अब हमारा जो सोल्डरिंग आयरन है वो बन के कंप्लीट हो गया है। तो अब हम करते हैं इसकी टेस्टिंग। तो यहाँ पे हमने लिया एक अडप्टर मोबाइल चार्जर का। तो अडप्टर हमने यहाँ पर एसी में लगा दिया है। तो अब हम यहाँ पे करते हैं इसको ऑन, और यहाँ पे जो सोल्डरिंग आयरन है उसको यहाँ पे चलाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने इसकी वायर इसके अंदर लगा दी है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो सोल्डरिंग आयरन है वो गर्म होता है या नहीं। तो यहाँ पे मुझे महसूस हो रहा है कि हमारा जो सोल्डरिंग आयरन है वो काफ़ी हीट हो रहा है। तो चलिए, अब हम इसको करते हैं टेस्ट यहाँ पर। तो यहाँ पे हम जो पेस्ट वगैरह है, जो शोल्डर वायर है, वो हमने यहाँ पे ले ली है। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा एक बार पेस्ट में करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे पेस्ट लगा के, अभी ये गर्म हो रहा है गाइस। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा ये, क्योंकि हमारा ये एक मिनी शोल्डरिंग आयरन बन के तैयार हुआ है। तो यहाँ पे हमने जो पेस्ट है फ्लक्स लगा ली है। तो यहाँ पे हम इसका जो शोल्डर है उसको पिघला के देखते हैं इससे।
तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो सोल्डरिंग आयरन है वो यहाँ पे वर्क करता है या नहीं। तो इसको गर्म होने देते हैं थोड़ा और। तो गाइस हमारा जो सोल्डरिंग आयरन है वो गर्म होना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि हमारा जो कनेक्शन है वो यहाँ पे लूज हो गया था। तो यहाँ पे हमने कनेक्शन इसका फिर से थोड़ा सा टाइट कर दिया। तो यहाँ पे अब देखते हैं हम इसको, तो यहाँ पे गर्म हो गया। तो देखिए यहाँ से जो धुआं निकल रहा है एक बार, तो अब देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए गाइस हमारा जो सोल्डरिंग आयरन है वो यहाँ पे देखिए गर्म हो रहा है। तो आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो कनेक्शन है वो आपको टाइट करनी है, तभी ये ज़्यादा सही से वर्क करेगा और गर्म होने में टाइम भी नहीं लेगा, साथ के साथ आपका जो सोल्डरिंग आयरन है वो गर्म हो जाएगा। बस आपको इन जो कनेक्शन होते हैं इनको आपको टाइट करना है। तो यहाँ पे इस कनेक्शन में हमें प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे देखिए यहाँ से गर्म हो रहा है। बस सिर्फ कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसके कनेक्शन सही से कर लेते हो, तार वगैरह सही से लगा के, तो हमारा सोल्डरिंग आयरन 100% वर्क करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो हमारा जो सोल्डर है वो यहाँ पे मेल्ट हो रहा है देखिए। तो यहाँ पे इसका कनेक्शन भी थोड़ा टाइट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम सोल्डर लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, देखिए गाइस अब हमारा कनेक्शन टाइट हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये जो धुआं निकल रहा है वो यहाँ से टेप का निकल रहा है, क्योंकि वो वायर है वो यहाँ से गर्म हो गई है। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए गाइस बिल्कुल सही से काम कर रहा है। देखिए अब बन गया हमारा शोल्डरिंग आयरन 100% वर्किंग। तो देखिए यहाँ पे, तो गाइस देखिए यहाँ पे हमारा जो सोल्डरिंग आयरन है वो तो कंप्लीट बन के तैयार हो गया है। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है वो सिर्फ यही आती है कि इसमें जो कनेक्शन है वो आपको सही से लगानी है, फिर आपका सोल्डरिंग आयरन बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा और एक मिनट भी नहीं लेगा और ये गर्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो सोल्डर यहाँ पे पिंगल रहा है, देखिए आप देख सकते हैं देखिए। और यहाँ पे हम इसको लगाते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमारा जो सोल्डरिंग है वो यहाँ पे हो गई है। तो यहाँ पे सिर्फ कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हम इस वायर को अटैच करते हैं, देखते हैं इसके साथ लगा के। तो देखिए गाइस यहाँ पे हमारी जो वायर है वो यहाँ पे कनेक्ट हो गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना मजबूत यहाँ पे सोल्डर हुआ है, देखिए ये देखिए। तो यहाँ पे ऐसे आप सोल्डरिंग आयरन बना सकते हैं, सिर्फ आपको 2-3 रुपए का खर्चा आएगा और यहाँ पे जो हमारा सोल्डरिंग आयरन बहुत अच्छे से वर्क करता है।